आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया कि साइक्लिस्ट इज राइडिंग विद अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर एज ही अप्रोचेस अ सर्कुलर टर्न ऑन द रोड ऑफ रेडियस 25√2 मीटर। ही अप्लाइज ब्रेक्स एंड रिड्यूसेस हिज स्पीड टू एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट ऑन सर्कुलर टर्न। अब अगर हम सर्कुलर टर्न देखते हैं तो जो इसमें नेट फोर्सेस होंगे, एक्सेलरेशन होंगे, वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। एक होगी हमारी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द सेंटर, जिसकी वैल्यू हमारे पास होगी वी स्क्वेयर बाय आर, और एक होगी हमारी जो इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी, जिसकी हम बोल सकते हैं वैल्यू अगर यहाँ से निकालते हैं तो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल होगी डीवी बाय डीटी, और ये हमें दिया गया 0.5 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड रिड्यूस हो रही है, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास ईटी की वैल्यू होगी 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ से सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की निकालते हैं वैल्यू, तो वो होगी ac = v² / r, और यहाँ पर v जो होगा, अगर वेलोसिटी हमारे पास है 18 किलोमीटर पर आर, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 5/18, ये मीटर पर सेकंड में जाएगी, यानी कि वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। तो v स्क्वायर हमारा 25 होगा और रेडियस हो जाएगा हमारा 25√2। तो जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू हमारे पास 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। अब ये दोनों एक्सेलरेशन 90 डिग्री पर हैं, तो जो इनका नेट होगा वो होगा a net = √ दोनों के स्क्वायर का सम at² + ac². तो नेट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगी √ac² हो जाएगा 1/2 + at² हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएंगे हमारे पास √3/4, यानी कि √3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम इस नेट एक्सेलरेशन की इंक्लिनेशन निकालते हैं इस साइड से, यानी कि ये एंगल हमारे पास थीटा होगा, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन नेट इंक्लिनेशन निकालते हैं तो वो होगी tan θ = टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, ये है 1/2 / 1/√2, तो ये वैल्यू हो जाएगी √2, और थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी θ = tan inverse √2, ये हमारे पास 1/√2 होगा ना कि √2, तो थीटा की वैल्यू tan inverse 1/√2 होगी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।